हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन मॉडर्न गुरुकुला। आई होप यू ऑल आर वेल एंड आप सबकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही होगी। सो अब आप लोग रेडी हो जाइए नेक्स्ट मॉक टेस्ट के लिए, दैट इज़ अ सेट नंबर 8। सेम आपको क्या करना है, देखिए फिर से 90 मिनट का टाइम सेट करना है एंड 150 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। यहाँ पे मैं आपको सारे क्वेश्चंस दिखाऊंगी एक एक स्लाइड्स में एंड नेक्स्ट डे यानी कि कल आप लोग आज आप लोग सॉल्व करेंगे, कल आप लोगों को मैं आंसर्स की दिखाऊंगी, ठीक है। देन आप लोगों को क्या करना है, जो करेक्ट होगा उस पर 1 मार्क्स और जो इनकरेक्ट होगा उस पर 0 मार्क्स। सो विदाउट अ वेस्ट ऑफ अ टाइम लेट्स स्टार्ट। सो बिफोर स्टार्टिंग द टेस्ट आप लोग क्या करिए, एक कॉपी और एक पेन पकड़ लीजिए, उसमें मैं आपको क्वेश्चंस बोलती जाऊंगी यहाँ पे और ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे सामने। वीडियो को पॉज करिए, फटाफट टिक करते जाइए अपने क्वेश्चन 1 का ए आंसर, बी आंसर, इस तरीके से लिखते जाइए सारे 150 क्वेश्चंस के आंसर को एक शीट पे, ठीक है। कल जब हम लोग आंसर की डिस्कस करेंगे तो आप लोग वहाँ पे अपने आपको एक, अगर आपने करेक्ट किया है तो टिक मार्क 1 करना है उसके आगे, अगर नहीं है तो 0 करना है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो इस तरीके से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपकी बहुत अच्छे से एग्जाम की तैयारी हो सके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द लैंग्वेज स्पोकन बाई द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड इज हिंदी, इंग्लिश, स्पेनिश एंड मैंडरिन। तो आपको करेक्ट आंसर पर टिक करना है, अपने आंसर शीट के वहाँ पे लिख लीजिए ए बी सी डी जो भी आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चंस को आपको आंसर लिखने हैं। कल हम लोग एक एक क्वेश्चन के आंसर की डिस्कस करेंगे और अपने वीक सेक्शन पे वर्क करेंगे, ओके। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन है द कैपिटल ऑफ कॉन्गो इज। तो इस क्वेश्चन में आपको कैपिटल बतानी है कॉन्गो की, जो कैपिटल नहीं है उसमें भी आपको बताना है कि ये कौन सी कंट्री की कैपिटल है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक एक चीज को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज वेल नोन एज अ स्पोर्ट्स पर्सन इन शूटिंग। शूटिंग में आपका इसमें से बताना है कि कौन सा वेल नोन पर्सन है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज एड्स, एड्स कौन कॉज करता है, इनमें से उसको बताना है। और जो आंसर नहीं होगा प्लीज माय डियर स्टूडेंट्स इस पर भी ध्यान दीजिए, जो आंसर नहीं है उस पर आपको क्या करना है कि किसकी वजह से कॉज होता है, थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स खुद से देने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आपको अप्रोच के साथ बता रही हूँ कि आपको पहला मॉक टेस्ट, सेकेंड मॉक टेस्ट कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन मॉक टेस्ट 8 है आपका ये, इसमें आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोवाइडेड फाइनेंशियल सर्विसेज। तो फाइनेंस सर्विसेज क्या होती हैं, कौन सा प्रोवाइड नहीं करता है, चेक करेंगे आंसर। द फर्स्ट यूरोपियन इन मॉडर्न टाइम टू एंटर द इंडिया वर्स कौन था, आपको आंसर करना है, हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट डे, बट फर्स्ट यू हैव टू ट्राई यूर सेल्फ, ओके। द वैदिक गोड पुरानंदा वॉज द सेम एज, किससे सेम है आपको बताना है। क्वेश्चन, द डिसीजन ऑफ टू फॉर्म INA आजाद हिंद फौज वर टेकन एट, कौन सी कंट्री में था, कंट्री की कैपिटल, करेंसी, एवरीथिंग, ठीक है। नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू हैव एंटर द इंडियन सिविल सर्विसेज, कौन था उसका आपको आंसर बताना है। नेक्स्ट, एंटासिड्स आर फाउंड इन द मेडिसिन दैट क्योर, क्या क्योर करती है, आंसर दें। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सेटअप टू प्रिपेयर अ ड्राफ्ट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया वॉज चेयर्ड बाय, अगर आप लोगों ने मेरा कॉन्स्टिट्यूशन वाला देखा होगा लेक्चर तो आप लोग वहां से क्लियर कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ से इसका आंसर बताना है। द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट द कंसेप्ट ऑफ प्लान्ड इकोनॉमी वॉज, अब यहाँ पे प्लान्ड इकोनॉमी बोला गया, अगर आप लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो टर्म यूज किया गया है वो किया गया है प्लान्ड इकोनॉमी, ठीक है। तो अब आप लोगों को ये मुझे बताना है कि इंडिया में कौन सी इकोनॉमी चलती है, ठीक है, प्लान्ड इकोनॉमी यहाँ पे बोला है ना, तो आपको बताना है कि इंडिया में किस टाइप की इकोनॉमी है, वो भी आपको आंसर करना है, ठीक है, किसने किया था उसका आंसर देंगे। विच स्पेस क्राफ्ट फर्स्ट लॉन्च ऑन द मून, तो अब पहला बताना है तो अभी रिसेंट में कौन सा किया गया है उसके साथ लिंक करेंगे। विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड, अगर वर्ल्ड की पूछी है तो आपको इंडिया की भी बतानी है, कौन से स्टेट में है, उस स्टेट की कैपिटल, उस स्टेट का क्या है, प्रेसिडेंट कौन है, सॉरी वहाँ पे CM कौन है, गवर्नर कौन है, सब कुछ देखना है, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द मोस्ट कोरोसिव इफेक्ट, किसमें होता है, आंसर देना है। नेक्स्ट, हु सेड चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, इसको बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेडियो एक्टिव, कौन सा इसमें से रेडियो एक्टिव नहीं है, आंसर देना है आपको। नेक्स्ट, एट विच प्लेस ऑन द अर्थ देयर इज ऑलवेज डे एंड नाइट इज इक्वल ड्यूरेशन, कौन सी प्लेस पे होती है, ये मैंने आप लोग को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न इक्वेटर ज्योग्राफी के एक लेक्चर में समझाया है, तो वहां से आप लोग लिंक करेंगे। All the following countries are permanent member of the Security Council except, अब ये देखना है कि ये permanent member क्या होता है, इसके लिए भी थोड़ा सा research करेंगे, ठीक है।
हरिद्वार इज वेल नोन फॉर द विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी, तो पता होना चाहिए कि हरिद्वार कौन से स्टेट में पड़ता है, कहाँ पर है, वहाँ का गवर्नर कौन है, सीएम कौन है, ठीक है, किस चीज के लिए फेमस है, ये भी याद रखना है. विच आर्ट फॉर्म सो द मैक्सिमम डेवलपमेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मुगल, अभी मुगल कौन थे थोड़ा सा इसके बारे में देख लेंगे, देन इसका आंसर करेंगे. ठीक है, द बिगेस्ट डोम इन द वर्ल्ड इज एट, कहाँ पर है इसको देखना है, ये डोम क्या होता है इसको भी देखेंगे. नेक्स्ट, हु इज सेट टू बी द फादर ऑफ न्यूक्लियर रिसर्चर इन इंडिया, किसको बोला जाता है, क्यों बोला जाता है, दोनों चीजें देखनी है. ठीक है, नेम ऑफ द ओनली इंडियन प्राइम मिनिस्टर हु नेवर फेस द पार्लियामेंट ड्यूरिंग हिज टेन्योर, कौन था, आंसर देंगे. द बिगेस्ट सैटेलाइट ऑफ द सोलर सिस्टम गैनीमेड इज द सैटेलाइट ऑफ विच प्लैनेट, ये मैंने आपको सैटेलाइट वाला टॉपिक कराया ज्योग्राफी में, वहां से इसका आंसर देंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज बेस्ट सुटेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन, बताना है कौन सी कॉटन के लिए बेस्ट होती है. द यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, कहाँ पे है करेंगे. द बुक बिग ईगोज एंड स्मॉल मैन हैज बीन रिटन बाय, किसके द्वारा लिखी गई है, इसमें आप लोग आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का भी. नेक्स्ट, हु वॉज नोन एज द आयरन मैन ऑफ जर्मनी, अब यहाँ पे पूछा है कि आयरन मैन ऑफ जर्मनी कौन है, इसमें से आंसर बताना है. साथ में आप लोग ये भी बताएंगे क्या कोई आयरन मैन ऑफ इंडिया भी है, अगर है तो किस पर्सन को बोला जाता है, वो भी देखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु डायरेक्टेड द ऑल टाइम फेमस मूवी कॉल मदर टेरेसा, किसने किया था बताना है आपको, बहुत फेमस है मूवी. फर्स्ट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वॉज सेटअप इन 1687 इन, कहाँ पे किया गया था, रिसेंट में कहाँ पे किया है, सब कुछ देखना है इस क्वेश्चन में. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द फर्स्ट फुली इंडियन बैंक इज, कौन सा था ये देखना है. द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज, कौन था इसमें से, अभी कौन है ये भी देखना है. नेक्स्ट, द फर्स्ट नेशनल पार्क एस्टेब्लिश इन इंडिया इज, कहाँ पे किया गया था, आपको कितने नेशनल पार्क हैं, ये सब चीज़ें भी देख लेंगे आप लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, द फर्स्ट टेलीग्राम लाइन इन इंडिया वॉज लेड बिटवीन, कहाँ से कहाँ तक की गई थी, ये क्वेश्चन देखना है. नेक्स्ट, द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश इन इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया वॉज, इसका आंसर करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर मेक लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ इंडिया, कौन सी रिवर करती है, इसका आंसर देंगे, गंगा, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट ब्रिज इन इंडिया, कौन सा सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज है, इसका आंसर बताना है. नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट हैज बीन लॉन्च इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, किसमें किया गया है, आपको आंसर देना है इस क्वेश्चन का. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, कौन सी थी, इसका आंसर आपको बताना है. नेक्स्ट, इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस सिचुएटेड एट, कहाँ पे है इसका, अभी कौन हेड है, सब कुछ देखना है आप लोगों को. ठीक है, नेशनल फ्लावर बर्ड एंड एनिमल ऑफ इंडिया आर, क्या है ये बताना है. नेक्स्ट, द डेट ऑन विच डे एंड नाइट आर इक्वल आर, कब होती है, इसका आंसर देंगे. नेक्स्ट, कौन सा पेयर इसमें से आपका करेक्ट है वो बताना है आपको, डांस फॉर्म है और आपको स्टेट्स दे रखे हैं. ठीक है, देखते हैं, वंदे मातरम सॉन्ग इज टेकन फ्रॉम द विच ऑफ द फॉलोइंग बुक, कौन सी बुक से लिया गया है, इसका आपको आंसर करना है. नेक्स्ट, द स्पोर्ट्स विच विच विश्वनाथ अवार्ड इज एसोसिएटेड, किससे एसोसिएटेड है, इसको आपको आंसर देना है. रॉन्ग पेयर इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है. ठीक है, इन्वेंशन और इन्वेंटर का नाम दिया है. इलेक्शन आर हेल्ड फॉर द सिलेक्शन ऑफ 1/3 मेंबर ऑफ राज्यसभा आफ्टर एवरी, कब होते हैं बताने हैं. नेक्स्ट, व्हेन इज इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिटिकल ट्रैफिकिंग ऑब्जर्व, कब होता है ये डे बताने हैं आप लोगों को. नेक्स्ट, हु हैज लॉन्च अ बिहेवियर चेंज कंपेन नेम्ड नेविगेटिंग द न्यू नॉर्म्स, किसने किया है. नेक्स्ट, इंग्लिश का क्वेश्चन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, ये भी आपका सब्स्टिट्यूशन आपका, ये सारे आप, अब आपको स्पेलिंग टेस्ट करना है कौन सी इसमें से करेक्ट है. ठीक है, ये भी स्पेलिंग टेस्ट का है, सेम क्वेश्चन फिल करने हैं इन सब क्वेश्चंस में. मैं आपको क्वेश्चन शो कर देती हूँ, जहाँ पे चेंज होगा मैं आपको बता दूंगी. ये सारे क्वेश्चन आप लोग ट्राई
खुद से यहाँ पे आपको फिल, ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन को, आपको बताने हैं कि करेक्ट फिल होंगे। यहाँ पे आपको फॉलोइंग बेस्ट सेम मीनिंग जो इसका मीनिंग बताना है क्या है, ठीक है। सेम क्वेश्चन देख, इसमें सिनोनिम्स बताना है कि सेम मीनिंग कौन सा। यहाँ पे आपको बताना है मतलब क्या है, इसमें आपको नियरेस्ट मीनिंग बताना, अपोजिट बताना है इस क्वेश्चन में, इसमें भी आपको अपोजिट बताना है, सेम बताना है, अपोजिट क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि क्या क्वेश्चंस हैं, इन सबको सॉल्व करेंगे आप। इस पार्ट में एरर है आपको ये बतानी है, ऊपर सेंटेंस लिख दिया गया हो, नीचे उनको ए बी सी डी पार्ट में किया गया, अगर ए पार्ट में एरर है तो आंसर ए करेंगे, बी में तो बी करेंगे, सी में तो सी, डी में तो डी, ठीक है। सेम क्वेश्चन देखिए, सारे क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ पे आपको फिर से फिल करना है कि कौन सा इसमें एग्जैक्ट आंसर आएगा, ठीक है। देख लीजिए क्वेश्चंस को, यहाँ तक आपके इंग्लिश सेक्शन हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं साइंस, देख लीजिए साइंस में बायो का क्वेश्चन है, अ जीनोमिक डीएनए प्रोसेसिंग फंक्शनिंग यूनिट अ ग्रुप ऑफ जीन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रमोटर नोन एज, आंसर करना है इसका। नेक्स्ट, बेसिक टूल ऑफ जेनेटिक रेगुलेशन इज द एबिलिटी ऑफ सम प्रोटीन टू बाइंड टू स्पेसिफिक, इसका आंसर करना है। नेक्स्ट, देयर आर दीज मैनी हिस्टोन्स इन द कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम, आंसर करना है। इन यूकैरियोटिक एंड बैक्टीरिया मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ रेगुलेशन इज, इसका आंसर करेंगे। नेक्स्ट, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज रिच इन फॉस्फोलिपिड, कौन सा फॉस्फोलिपिड है, आंसर बताना है। एमटी डीएनए इज, माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए इज क्या है, दो मिनट सोचिए, देन कॉपी पे टिक करते जाइए साथ साथ। इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन हैज ऑक्सीजोम्स ऑफ F0F1 पार्टिकल्स टेक प्लेस ऑन, आंसर भी करती जाएगी साथ साथ, दो दो मिनट के गैप। दिस कंडीशन इज एसेंशियल फॉर पॉपुलेशन टू बी द हार्डी विंबर इक्विलिब्रियम, इसका आंसर करना है। नेक्स्ट देखते हैं, इन जिम्नोस्पर्म्स द ओव्यूल्स टिपिकली आर, नेक्स्ट, टॉलेस्ट नोन जिम्नोस्पर्म इज, आंसर भी करते जाइए साथ साथ, मैं जैसे क्वेश्चन बोल रही हूँ आप लोग टिक करते जाइए। नेक्स्ट, फिलेनियोजर्म्स विदाउट द ओवरीज आर, इनहिबिशन ऑफ गैस्ट्रिक सेक्रेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ चीफ सेल्स। नेक्स्ट, द आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आर फाउंड इन, सीक्रेशन ऑफ पेनक्रियाटिक जूस इज ट्रिगर्ड बाय, दिस इज अ कॉमन पासेज ऑफ फॉर बाइल एंड पेनक्रियाटिक जूस। नेक्स्ट, एस्केरिस हैज डैश सेल इन द एक्सिटरी सिस्टम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, एस्केरिस ल्यूबिक्रोकॉइट्स इज फाउंड लिविंग इन द इंटेस्टाइल ऑफ, प्रोसेस ऑफ मॉर्फोलॉजिकली डिफ्रेंशिएटिंग मेल एंड फीमेल सेक्स इज नोन एज, नेक्स्ट, एन एग्जाम्पल ऑफ इंडस्ट्रियल मैनलिज्म इज, दिस इज द मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ लैंडमार्क, आप लोग साथ साथ टिक करते जाइए। नेक्स्ट, द आइडिया ऑफ यूज एंड डिस यूज ऑफ ऑर्गन वॉज गिवन बाय, साइंटिस्ट रिगार्डेड एज न्यू लैंडमार्किस्ट आर, कौन थे, टिक करिए आंसर। नेक्स्ट, दिस इज एन एक्स्ट्रा सेलुलर मैसेंजर ऑफ एपोप्टोसिस, नेक्स्ट, दिस इज अ कंसर्न विच द इंटरेस्टिक पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस। नेक्स्ट, श्रिंकिंग ऑफ न्यूक्लियस इज कॉज्ड व्हेन दिस इनएक्टिवेट्स, नेक्स्ट, दिस सेल ऑर्गेनेल पार्टिसिपेट एक्टिवली इन एनिमल एपोप्टोसिस। नेक्स्ट, दिस इज एन एक्टिव सेल दैट प्रोसेस, नेक्स्ट, अ ग्रीन मैन्योर इज, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज स्टोर इन द लिवर ऑफ एनिमल्स, नेक्स्ट,
सुक्रोज, इसको हम केन सुगर भी बोलते हैं, इज अ डाइसेकेराइड. वन मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स, क्या देता है? आंसर टिक करिए. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इन द विटामिन इज अ विटामिन. नेक्स्ट, किसी विटामिन का नाम है, आपको क्लिक करिए माइंड पे और आंसर टिक करिए. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेमी सिंथेटिक पॉलीमर. नेक्स्ट, द कॉमर्शियल नेम ऑफ पॉली एक्रोलोनाइट्राइल इज. नेक्स्ट, विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द बर्थ कंट्रोल पिल्स. नेक्स्ट, इक्विनिल इज, क्या है बताना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगर नहीं पढ़ा है तो एनसीईआरटी में जाके इस चैप्टर को पढ़ लीजिए, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्हांस द लीथरिंग प्रॉपर्टी ऑफ सोप. नेक्स्ट, ग्लिसरॉल इज एडेड टू सोप इट्स फंक्शन. करिए आंसर. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ 3 डिग्री एमाइन. अब ये 1 डिग्री 2 डिग्री क्या होता है ये पहले आप लोगों को देखना है, देन इसका आंसर करना है. नेक्स्ट, द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस इज मोर देन वन सॉलिड मॉडिफिकेशन इज नोन एज, क्या बोलते हैं, जल्दी से आंसर लगाइए. नेक्स्ट, द नंबर ऑफ कार्बन एटम पर यूनिट सेल ऑफ डायमंड यूनिट सेल इज डैश, जल्दी से टिक करिए, 4861. नेक्स्ट, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेथेनॉल इज जियोट्रॉपिक मिक्सचर बिकॉज इट्स सेपरेट, इट डज नॉट ओबे रॉल्ट्स लॉ. मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सब्लिमेट, मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन, ग्रेटर वॉल्यूम देन द वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट. नेक्स्ट, द इलेक्ट्रोड विच मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल एक्ट एज, कैथोड एनोड इलेक्ट्रोड, नन ऑफ दिस, जल्दी से टिक करिए. नेक्स्ट, फ्यूल सेल आर द मीन बाय विच केमिकल एनर्जी मे बी कन्वर्टेड इन टू हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी एंड साउंड एनर्जी, टिक करिए आंसर. नेक्स्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट द हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द रिएक्शन, इनक्रीज, डिक्रीज, रिमेन अनचेंज, मे इनक्रीज और डिक्रीज. नेक्स्ट, मडी वाटर कैन बी purified through the coagulation using common salt, alum, sand and lime. Next, property of a colloid solution is due to nature of dispersed phase, nature of dispersion medium, physical state of dispersed phase, temperature of the system. Next, the protecting power of lyophilic colloid solution is expressed in term of coagulation value, gold number, critical मिसेल कंसंट्रेशन, ऑक्सीडेशन नंबर. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज लायोफिलिक कोलाइड्स आर स्टेबल ड्यू टू चार्ज ऑन पार्टिकल, लार्ज साइज ऑन पार्टिकल, स्मॉल साइज ऑन पार्टिकल्स, लेयर ऑफ डिस्पर्जन मीडियम ऑन पार्टिकल्स, जल्दी से टिक करिए. ओके एंड थैंक यू, ऑल द बेस्ट. अब आपको क्या करना है, कल मैं आंसर की अपलोड करूँगी तो आप लोगों को चेक करना है, देन अपने वीक सेक्शन को पकड़ना है कि कहाँ पे हमें प्रॉब्लम हो रही है, उस सेक्शन पे आपको वर्क करना है. एक कॉपी बना लीजिए जिसमें सारे मॉक टेस्ट करिए, ठीक है, तो वहाँ पे आप लोग अपने वीक सेक्शन को पकड़ के उस पर वर्क करना स्टार्ट करिए. एंड एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स पर लिख के भी बता सकते हैं, ठीक है. ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड चेक करके अपने मार्क्स जरूर मेंशन करिए कल, ठीक है. तो तब तक आप लोग अपने आप पे वर्क करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए. ऑल द वेरी बेस्ट.